नमस्कार, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब सेक्शन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्ज़ाम जो दिसंबर जनवरी का होने वाला है, उसमें टाइम टेबल में कुछ परिवर्तन हो गया है। तो जानेंगे कौन कौन से कोर्स हैं, डीसीए और बीएड और बहुत सारे कोर्स हैं जिसका टाइम टेबल में चेंजेस हो गया है, तो उसके बारे में जानकारी पूरी इस अपडेट वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं कंटिन्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और साथ ही ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दिखाए जाने वाले संपूर्ण डेटा आप सभी को ग्रुप में शेयर किया जाता है। साथ ही सबसे पहले अपडेट आप सभी को मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं, पूरी अपडेट लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसका टाइम टेबल चेंज हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सेमेस्टर परीक्षा में PGDCA, DCA, BBA इन सभी की जो यहाँ पर समय सारणी है, CBS ये सब के जो हैं वो सब चेंज हो गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोर्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट भी चेंज हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एमएड का जो है चेंज हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर मेन एटीकेटी एक्स का एग्जाम है, जिसमें 31/12/2022 को अब ये होगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर BBA फिफ्थ सेमेस्टर वालों का भी चेंज हो गया है। साथ ही आप देखेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर वालों का भी चेंज है। और यहाँ पर DCA, PGDCA के फर्स्ट सेमेस्टर मेन हो या एक्स होगा या फिर न्यू ओल्ड कोर्स, दोनों का यहाँ पर चेंज हो गया है। नया टाइम टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं DCA का, और साथ ही PGDCA का यहाँ पर आप देख सकते हैं। न्यू कोर्स, ओल्ड कोर्स अलग अलग दिया हुआ है, टाइम भी चेक कर लेंगे एक बार। साथ ही देखिए CBS का भी चेंज हुआ है, CBS यानी सेंटर फॉर बेसिक साइंस के अलग अलग सेमेस्टर का भी चेंज हो गया है, केमिस्ट्री स्ट्रीम का। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं टिप में जो लिखा हुआ है MSc जूलॉजी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर जनवरी 22-23 के लिए जो 3 तारीख मंगलवार को आयोजित होने वाले प्रश्न पत्र थे, जिसका नाम जनरल एंड कॉम्परेटिव इंडोक्रेनोलॉजी लिखा हुआ है, तो ये जो है और 7 तारीख को शनिवार को आयोजित होने वाले प्रश्न पत्र ये को है उसको चेंज करके इस टाइप से पढ़ना है, आपको ये लिख दिया हुआ है। मतलब चेंज करके ये वाला प्रश्न पत्र होगा उस दिन, ये देखिए लिखा हुआ है ट्यूसडे और सैटरडे को कौन कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। ये है, इसके साथ ही एक और PDF आया हुआ है, वो PDF में भी बताया हुआ है बहुत सारे कोर्स का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2nd, 4th, 6th और 8th सेमेस्टर वालों का है, ATKT वालों का, जिसमें यहाँ पर बता दिया है LLB, BA LLB, LLM के जो है 2nd, 4th, 6th और 8th सेमेस्टर जो ATKT वाले हैं उनका यहाँ पर चेंज हुआ है, देख सकते हैं आप नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद आगे हम बात करें BEd वाले, BPed वाले, जिसमें 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के ATKT वालों का हुआ है, रेगुलर का नहीं हुआ है, मेन वालों का नहीं हुआ है, ये सिर्फ ATKT वालों का हुआ है। BEd 2nd सेमेस्टर, BEd 4th सेमेस्टर, BPed 4th सेमेस्टर इनका। फिर उसके बाद BEd जो स्पेशल एजुकेशन वाले होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन वाले, उनके 4th सेमेस्टर का चेंज हुआ है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कब कब होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दे दी गई है, टाइम टेबल आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ समझ में ना आए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोनों PDF आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दें, जैसे ही आपको मैसेज देखा जाएगा और तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप सभी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। रेगुलर वालों का चेंज नहीं हुआ है, जिनको मैंने रेगुलर का नहीं बताया है ध्यान रखिएगा, ATKT वालों का चेंज हुआ है और जिस कोर्स का चेंज हुआ है मैंने बता दिया है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को जानकारी हो सके कि आखिर उनका एग्ज़ाम का टाइम टेबल चेंज हुआ है या नहीं। तो बने रहेगा, नेक्स्ट अपडेट में आप सभी को फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत